खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मुजाल्दा ने आज अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री बाला बच्चन, कृषि मंत्री सचिन यादव, सांस्कृतिक एवं आयुष मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की, जहां गृह मंत्री बच्चन ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान की 15 साल की सरकार में 20,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, 5 करोड़ परिवार जिनकी आमदनी एक माह में 6,000 से कम है, तो हम 6,000 रुपये हर माह उनके खाते में डालेंगे। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। पिछले चुनाव में ये कहा गया था, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जबरदस्त नारा चलाया था कि भारतीयों का काला धन जो विदेशों में जमा है, उस काले धन को हम हिंदुस्तान में लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख डाल के सबके अच्छे दिन ला देंगे। खातों की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन की बात करते हैं, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। एक हमारा घोषणा पत्र सुन लीजिए अभी का। हमने पिछले चुनाव में जब तक हमारी यूपीए 1 और 2 की जो सरकार थी, हमने साथियों यूपीए 1 और 2 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाकर जो दी थी, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा यह है कि 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी थी। अब हमने उसको 100 दिन के बजाय अब हमने उसको 150 कर दिया है। लगभग 4.5 से 5 महीने तक आपको साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आपको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसके बाद खेती किसानी से जो जुड़े हुए हमारे जो किसान भाई है, इसके लिए राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में क्या डाला है मालूम है? कि जैसे रेलवे का बजट आता है, ऐसे ही अब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, हम कृषि का बजट अलग से तैयार करेंगे, जिसमें किसानों की फसलें जो मर जाती है, बीमा नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य समय पर अच्छा नहीं मिलता है, फसलों का भाव अच्छा नहीं मिलता है, कर्जे के कारण किसानों को आत्महत्या करना पड़ जाती है। पिछले शिवराज सिंह जी की 15 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में 20,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। इसलिए अब हमारी सरकार बनेगी तो अलग से हम कृषि बजट लाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण घोषणा पत्र का बिंदु क्या है मालूम है? कि जो देश की जो 20% जो जनता है, 5 करोड़ परिवार जिनकी आमदनी 6,000 महीने से कम है, 72,000 रुपए से वार्षिक कम है, तो उनको हम 6,000 रुपए महीना, 72,000 रुपए साल के हम लोग जो डालेंगे, जो कि हम गरीबी से ऊपर उन परिवारों को लाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बिंदु है साथियों। कि 54 लाख में से 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, खरगोन जिले के 80,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बड़वानी जिले के 50,065 किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो कर्ज माफ करने की प्रोसेस अभी चल भी रही है, तो पहले मैं उसको पता करूं कि वो सच और फैक्ट है कि भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कर्ज माफी के कारण ये आत्महत्या की होगी। जैसे ही राहुल गांधी जी ने मंदसौर की सभा में ये घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनाओ तो मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, लोगों को विश्वास हुआ है। और जो आत्महत्या करने का जो दौर मध्य प्रदेश में जो किसानों का चल रहा था, वो उसका परसेंटेज कम हुआ था, उसकी दर कम हुई थी, और अभी कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही। तो जो भी आपने बोला इसका हम पता कर लेते हैं। सर, सुखलाल परमार ने अपना नाम वापस ले लिया, क्या लगता है अभी तक समझाया नहीं जा सका? नहीं, बातचीत हमारी चल रही, हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा और वो वापस ले लेंगे। और हमारा देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भारी बहुमत से इस सीट को जीतेंगे। सर, लोकसभा का जो प्रोफाइल के रूप में डॉक्टर मुजाल्दा ने अपनी जानकारी राहुल गांधी जी को भेजी थी, उसमें अपने आय 5 करोड़ रुपए बताई, लेकिन जो अलकनामा या निर्वाचन आयोग में दिया, उसमें 1 करोड़ 100 करोड़ बता रहे हैं। आवेदन नहीं, कोई बात नहीं, देखो तो अभी चुनाव आयोग को जो दिया वो फैक्ट होगा, वो एक्चुअल होगा। ठीक है, थैंक यू। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट।